तो वोट तो पहले दिए थे योगी को? जी हाँ, वोट तो हमने बीजेपी सरकार को ही दिया था। तो फिर आपकी बात तो मान नहीं रहे वो लोग? सरकार विचार कर रही है, लेकिन ये है कि चुनावी दौर है, सरकार दबाव में भी है। तो रोजगार के मसले पे सरकार खरी उतरी है क्या? देखिए, हम इसके लिए तो पूरी तरह से हम सरकार को अभी ये नहीं कहेंगे कि बहुत खरी उतरी है, लेकिन हाँ, इस बार हम वोट तभी करेंगे योगी जी को क्योंकि अब ना ही राम मंदिर के मुद्दे पे काम चलेगा, ना ही मोहम्मद अली जिन्ना के लेके बात चलेगा, ना ही किसी को विपक्ष को गलत सलत कह के काम चलेगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है, 5 साल आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है, अब वोट उसी को होगा जो रोजगार पे बात करेगा। जो ठोको नीति इनकाउंटर जो हुए हैं उसके बाद तो कह रहे हैं कि डर बैठ गया सारे के सारे बदमाशों में। बदमाशों में डर तो ये तो वही बात हुई ना कि गुंडाई करेंगे तो खाली हम करेंगे और कोई नहीं करेगा। आज यूपी में ये चल रहा है बस, यहाँ पे और कोई मुद्दा नहीं। यहाँ पे अगर गुंडे हैं तो हम हैं और ना कोई नहीं है। इनके ही आदमी हर जगह गुंडाई कर रहे हैं, इनके ही आदमी रेप और बलात्कार कर रहा है। शिक्षा मुद्दा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, हिंदुत्व के नाम पे यहाँ पे आतंक फैलाया जा रहा है और ये सारे काम लखनऊ जैसे राजधानी में हो रहा है। तो हमारी चुनाव यात्रा इस समय लखनऊ में है और हम यहाँ खाऊ गली में है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर पार्क के ही बगल में बेंजी द्वारा बनाया गया एक इलाका है जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है और काफ़ी सारे इस तरह के स्टॉल आपको मिल जाएंगे और बहुत ही लजीज पकवान है, अलग अलग तरह की वैरायटी है और लोग यहाँ खाना खाने आते हैं रात के वक्त जनरली। तो मैं भी यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं खाने के साथ साथ चुनावी मिजाज को भी टटोलने की कोशिश करता हूँ कि लोगों का चुनाव के प्रति क्या रुझान है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब? विवेक द्विवेदी, प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं तो लखनऊ में क्या कर रहे हैं? लखनऊ में शिक्षक भर्ती या धरना अध्यक्ष शिक्षक भर्ती धरना चल रहा है 21 जून से योग दिवस के अवसर पर। अच्छा। और अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है और धरना हमारा अनवर चलता रहेगा। हालांकि शासन प्रशासन पर विचार चल रहा है और शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है तो उन्होंने कहा अंतिम निर्णय योगी आदित्यनाथ जी का ही होगा। ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था, 500 में जो बची सीटें हैं उसको 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्टों में भरना 6 महीने में एग्जाम लेकर। तो जो पहली वैकेंसी आई थी 68,500 उसकी जो बची वैकेंसी उसको 69,000 में जोड़ा जाए क्योंकि 69,000 में 1,46,000 अभ्यर्थी पास थे। तो अभी भी ऐसे अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी हैं जो कि 115 नंबर पा के धरने दे रहे हैं और धरना हम लोग योग्य अभ्यर्थी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग की पुरानी अकेडमिक है। आज की नई अकेडमी में हाईस्कूल इंटर सबके 70-80% रहते हैं। आपको पता मायावती ने 2010 के बाद सीबीएसई पैटर्न लागू कर दिया था। तो हमारी न्यायिक और जायज मांग है इस मांग को पूरा किया जाए। तो योगी सरकार के नुमाइंदों से किसी से बात हुई? आप लोग तो एक लंबे समय से धरना दे रहे हैं और एक आपका साथी गोमती में भी कूद गया था जब प्रदर्शन हो रहा था। वो आरक्षण वालों का, आरक्षण का धरना अमरेंद्र सिंह के नाम से चल रहा है, बाहुबली के नाम से, और 22,000 का जो धरना चल रहा है पानी टंकी पे वो मेरे नाम चल रहा है, विवेक द्विवेदी के नाम। अच्छा, आप लोगों का अलग मसला है, ये 69,000 में आरक्षण घोटाले का मसला नहीं? हमारा 22,000 वाला, हमारा हम लोग योग्य अभ्यर्थी। फिर मतलब मुख्य वजह क्या है, क्यों धरना दे रहे हैं? मुख्य वजह ये कि 68,500 में जो सीटें बची है उसको 69,000 जोड़ा जाए। पहली वैकेंसी की जो बची सीटें होती, नियम होता है दूसरी होता है उसको भरने का, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं, वो जो कि संविधान में नियम है अभी तक वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो ये योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जाए। तो कुल 22,000 ऐसे पद हैं जो कि 22,000 से अधिक पद हैं, करीब 26,000 के आसपास पद हैं ये टोटल। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर अगर वीडियो देख रहे हैं कोई भी, हमारी वीडियो को पहुंचा दें ताकि हम लोगों पर दया दृष्टि करें। और मैं यकीन दिलाता हूं सरकार से कि हमारे 75 जिले में जो भी हमारे भाई बहन है वो चुनाव में जरूर आपका प्रचार प्रसार करेंगे, आपको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। तो वोट तो पहले दिए थे योगी को? जी हाँ, वोट तो हमने बीजेपी सरकार को ही दिया था। तो फिर आपकी बात तो मान नहीं रहे वो लोग? सरकार विचार कर रही है, लेकिन ये है कि चुनावी दौर है, सरकार दबाव में भी है और उन्होंने कहा अंतिम फैसला रोजगार की बात करके ही योगी सरकार का, मतलब बीजेपी का, योगी तो उस समय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। हाँ। ये था कि रोजगार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और सबको मिलेगा रोजगार, अब की बार मोदी सरकार, ये तमाम नारे लगे थे ना रोजगार के मसले पे ही थे। तो रोजगार के मसले पे सरकार खरी उतरी है क्या? देखिए, हम इसके लिए तो पूरी तरह से हम सरकार को अभी ये नहीं कहेंगे कि बहुत खरी उतरी है, लेकिन हाँ कुछ हद तक उनके रोजगार आए, जितना इन्होंने वादा किया सबसे वादा पूरा तो नहीं हुआ, ये सच है। जो रोजगार देना चाहिए, जितना देना चाहिए उतना तो नहीं मिला। शिक्षक भर्ती 1,37,000, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो रद्द हुआ था शिक्षा मित्रों का, वो अखिलेश के समय का था, उस वैकेंसी को पूरा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी वैकेंसी आई अभी तक,
क्लर्क की जो वैकेंसी थी करीब 55 से 60 हजार, वो वैकेंसियां नहीं आई, पेट करवा ली लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई। जबकि आपकी भी यही मसला है सर। मैं जनपद रामपुर से मलकीत सिंह, और मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ, आज मैं 1090 में आया हूँ, और ये जो है महिला की मतलब सुरक्षा का एक वो है, प्रतीक है, और इसीलिए ये बनवाया गया। लेकिन योगी जी से ये मेरा विनम्र है कि वो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन मेरी एक बहन है शिकापाल, जो पिछले 105 दिन हो गए पानी की टंकी पर 150 फीट ऊंचाई पर बैठी है, लेकिन वो बात करते हैं महिला पानी की टंकी पे बैठी हुई है, टंकी पे बैठी धरना दे रही है, धरना दे रही है बैठ के। वो 68500 की बची हुई सीटें जो रिक्त सीटें रह गई थी, 69000 में हम लोग मांग कर रहे हैं, 90-87 वाला नौकरी कर रहा है, हम 115 लाके बाहर हैं। लेकिन हाँ, इस बार हम वोट तभी करेंगे योगी जी को, क्योंकि अब ना ही राम मंदिर के मुद्दे पे काम चलेगा, ना ही मोहम्मद अली जिन्ना के लेके बात चलेगा, ना ही किसी को विपक्ष को गलत सलत कह के काम चलेगा। अब जनता जागरूक हो चुकी है, 5 साल आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है, अब वोट उसी को होगा जो रोजगार पे बात करेगा, क्योंकि सबसे अहम अगर कोई है तो मतलब प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो कोई वो है रोजगार का। और तो रोजगार मिल गया तो बाकी सारी सुविधाएं तो आप खुद ही अफोर्ड कर। मैं भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैं रामपुर से कोई अयोध्या पूजा धर्म को मानने वाले लोगों को भी तो नौकरी चाहिए ना, पेट कैसे भरेंगे। सभी को चाहिए नौकरी, सभी को चाहिए, तभी देश की उन्नति होगी, तभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। ऐसे नहीं कि राम मंदिर में जाएंगे, ये करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे, ऐसे नहीं। आजकल पब्लिक विकास देखेगी और रोजगार देखेगी, और भूखे को मतलब गरीबों का कल्याण हो ये चीज देगी। ऐसे नहीं कि मतलब वोट ऐसे ही मिल जाएगा इन्हें, इन्होंने अभी तक कोई ऐसा रोजगार नहीं दे पाए। हमारी जो 1,37,000 जो रिक्त सीट मतलब मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और ये कहा गया था 6 माह के अंदर ये 2 क्रमागत भर्तियों में होना चाहिए। अभी इनसे 1,37,000 के रिक्त पद भी नहीं भरे गए हैं पूरे 5 साल के कार्यकाल में। रोटी रोजगार पे राम मंदिर, गौमूत्र, गोबर, ये सब हावी पड़ेगा क्या? ये इस बार हावी पड़ेगा इन्हें। और हम इस आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि हम 75 जिलों के लड़के यहाँ पे आए हुए हैं, लखनऊ एसटीआईटी शिक्षा निदेशालय, और पिछले 5 महीने से हम धरना दे रहे हैं, अनवरत हमारा धरना जारी है, भूखे प्यासे बरसात में, डेंगू में, कोरोना काल में हमने सब मुसीबतें यहाँ पे झेली है, लेकिन कोई भी अभी सरकार का वो है जिन्होंने वोट किया था, वोटर हैं, वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, अब तक किया था, और हर वर्ग का यहाँ पे प्राणी है। हम ये चाहते हैं योगी सरकार से कि हमारी जो 1,37,000 के बचे हुए रिक्त पद हैं उन्हें पूरा किया जाए। अगर ऐसा वो करते हैं तब उनके बारे में विचार किया जाए, क्योंकि देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान होता है। पिछले 5 महीने से हम यहाँ पे रह रहे हैं, सरकार का कोई अधिकारी या कोई प्रवक्ता बीजेपी या कोई भी हमारी सुध ले नहीं। हम 61 लड़के जेल भी गए हैं, जेल भी भेज दिया गया था हमें, वोट देने वालों को ही। मैं खुद जेल गया था, पुलिस द्वारा बर्बरता मारदात की जा रही थी। उस समय पे ये बुरा लगा कि हमने बटन दबाया था कमल के फूल का, फिर भी हमको। सबसे बड़ी बात है कि बिना बताए जेल भेजे, और पुलिस प्रशासन का इतना दबाव था, इन्होंने साइन तक करवा लिया, बताया नहीं कि अंत तक आपको जेल भेजा जाएगा। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के बेरोजगार साथियों से अपने, क्योंकि मैं भी एमए बीएड सुपर टेट पास हूँ, 115 नंबर सुपर टेट में, कि इस बार अगर वोट करिएगा तो ये चीज देख के करिएगा कि हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, आने वाले भविष्य को देखते हुए वोट करिएगा, क्योंकि रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये देखिए बड़ी बात कही है इन्होंने, और ये लोग दोनों जो हैं। मैं एक चीज भाई साहब कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर योगी जी हमारी जायज मांग को पूरा करते हैं तो हम 75 जनपदों में 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं। 22 करोड़ लोग हैं, 22 लाख लोग हैं, हम खुले समर्थन करेंगे उनका योगी जी का, इस बार फिर उनको वोट करेंगे अगर हमारी मांग का वो नहीं करते मांग मानी गई तो। और हमारा नेशनल कवरेज और सोशल मीडिया पर हम इतने वो हैं, 75 जनपदों में हम एक चलाएंगे अपना, और मतलब यूपी के 75 जिले में हमारे भाई बने, 1,46,000 पास थे, 69,000 को उन्होंने नौकरी दी है, अभी भी 77,000 मांग नहीं मानी गई तो वोट नहीं देंगे आप। बिल्कुल नहीं, 1,000 हर जिले में आप मेरे वोट भी नहीं देंगे, और पूरे खुले यहाँ से जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी तो हमें यहाँ से जाएंगे, और जिले जिले जाके इनका प्रचार मतलब गुस्सा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग बीजेपी के वोटर रहे हैं, इनका कहना है कि इन्होंने वोट दिया था लेकिन रोजगार के मसले पर सरकार ने वादा खिलाफी की, तो गुस्सा भी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, भाई साहब बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विजय सिंह है। विजय क्या करते हैं आप?
मैं यहाँ पे एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है तो वकालत ठीक चल रही है जी? अभी तो चल रही है। ये भाई साहब जो बात कर रहा था मैं रोजी रोजगार के मसले पे कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल हुआ है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे 5 सालों में जैसे कि इलेक्शन फिर से आने वाला है, आप जान रहे हैं अभी तक यहाँ पे ना रोजगार पूरा किया जा रहा है, ना स्वास्थ्य मुद्दों पे ध्यान दिया जा रहा है, ना शिक्षा के मुद्दों पे ध्यान दिया जा रहा है। पूरी तरह से देश प्रदेश का हमारा बेड़ा गर्क हो रखा है और किसी भी तरह से कोई भी प्रोग्रेस इस टाइम नहीं हो रही है हमारे प्रदेश में। तो हमारे तो शायद योगी जी से यही निवेदन है कि अगर हो सके तो देश और प्रदेश में ध्यान दे, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा तो हम लोग कभी भी उठा सकते हैं। आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के रेप हो रहे हैं, बच्चों के। तो अभी अमित शाह तो कहे कि एक लड़की जो है वो सोना चांदी लाद के 12 बजे स्कूटी लेके निकल जाए, इतना अच्छा बना दिया यूपी को। सर यूपी में मैं गांव की तो दूर की बात कर रहा हूँ, अगर ये लखनऊ में भी अगर रात में 12 बजे आज लड़कियां सेफली निकल जाए घर से तो बहुत बड़ी बात है। ये लखनऊ जैसा, लखनऊ जो की राजधानी उत्तर प्रदेश की, यहाँ भी रात के 12 बजे के बाद, रात 12 थोड़ी है, आप 10-11 बजे के बाद भी लड़कियाँ अगर यहाँ पे निकल जाए सेफली, उनके गले से अगर सोना पंगी निकल रही है, उनकी स्नैचिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं गलत होंगी होंगी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक कल्याणपुर एरिया पड़ता है मैं घर की तरफ, विकास नगर में मैं रहता हूँ, बगल में कल्याणपुर पड़ता है। कल्याणपुर में जो है एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, मजदूर की बच्ची थी और उसके साथ रेप हुआ है, और वो मामला यहाँ तक उसका FIR तक नहीं दर्ज हुई है। ये राजधानी की बात है, गोडम्बा थाने का मामला है और उस बच्ची के रेप की FIR तक नहीं दर्ज की जा रही है, मामले को दबाया जा रहा है। और कहने में ये भी आ रहा है कि सब बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जितना भी आरोपी जो है। बट जैसे योगी सरकार दावा करती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर में हमने बहुत अव्वल काम किया, और योगी ने जो है खुद ये ऐलान किया कि जो बदमाश हैं वो यूपी छोड़ दें, जो ठोको नीति इनकाउंटर जो हुए हैं उसके बाद तो कह रहे हैं कि डर बैठ गया सारे के सारे बदमाशों में। बदमाशों में डर तो ये तो वही बात हुई ना कि गुंडाई करेंगे तो खाली हम करेंगे और कोई नहीं करेगा, आज यूपी में ये चल रहा है। बस यहाँ पे और कोई मुद्दा नहीं, यहाँ पे अगर गुंडे हैं तो हम हैं और ना कोई नहीं है। इनके ही आदमी हर जगह गुंडाई कर रहे हैं, इनके ही आदमी रेप और बलात्कार कर रहा है। शिक्षा मुद्दा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, हिंदुत्व के नाम पे यहाँ पे आतंक फैलाया जा रहा है और ये सारे काम लखनऊ जैसे राजधानी में हो रहे हैं। आप जैसे युवाओं को मैं देखता हूँ विजय की सोशल मीडिया पे बड़े व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, फेसबुक के ट्विटर पे, वो सारे के सारे हिंदू राष्ट्र गो हत्या के नाम पे या फिर गो रक्षा के नाम पे बड़ा वो मतलब भावुक होते हैं कि बहुत मतलब योगी जो है वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। वो मुद्दे आपको दिखते हैं कि जो युवा है उसको ये मुद्दे दिखते हैं या रोजी रोजगार दिखता है? नहीं, हमें तो रोजी रोजगार दिखता है, मुझे तो रोजगार चाहिए। हिंदुत्व वाले मुद्दे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना यहाँ पे किसी हिंदू को कोई खतरा है। मैं भी हिंदू हूँ, विजय सिंह नाम है मेरा, मुझे तो कोई खतरा महसूस नहीं होता किसी अदर धर्म से, किसी भी दूसरे धर्म से। मैं बस चाहता हूँ कि हमें रोजगार मिले।